तो फाइनली दोस्तों आ चुका हूं आपके लिए फिर से एक और नया प्रेडिक्शन का वीडियो लेकर के। और गाइस ये जो प्रेडिक्शन होने वाला हुआ इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच, जो गाइस T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला कल जो खेला जाएगा 5 नवंबर को, उसके बीच हम चर्चा करेंगे। तो प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन कौन सा प्लेयर्स जो वह इंपोर्टेंट पिक होने वाला है, फैंटेसी के टीम में किस किस प्लेयर्स को मेरे और आपके टीम में होना चाहिए ताकि एक प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके भाई पिछले T20 मुकाबला की तरह ढेर सारा पैसा विन करेंगे। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भाई मुझे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर फॉलो कर रहा है, भाई सभी ने यहाँ पर से ढेर सारा पैसा विन किया। यदि अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो मिलेगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो टॉस होने के बाद अपना फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में जो वह प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। क्योंकि गाइस अभी जो वह टॉस नहीं हुआ है, टॉस होने के बाद जो भी अपडेट आते रहता है या मैच से रिलेटेड जो भी यहाँ पर से आपको अपडेट आता है मैं टाइम टू टाइम और साथ में वहाँ पर से स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों का जो वह टीम प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मिलेगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाकर के ज्वाइन हो जाना। तो गाइस सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेन्यू की। यह जो मुकाबला खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में यह मुकाबला खेला जाएगा, वही पिच की चर्चा करते हैं। तो इसका जो पिच होने वाला हुआ बैटिंग पिच होने वाला, इस पिच पर जो गुड फॉर पेस यानी पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला, फास्टर्स बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। एवरेज स्कोर हम यहां पर से आपको बता देते हैं, तो इस पिच का जो एवरेज स्कोर रहने वाला हुआ 150 इस पिच का एवरेज स्कोर है। और अधिकतम से अधिकतम यदि इंग्लैंड सबसे पहले बैटिंग करता है तो 180-190 आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहां पर से श्रीलंका बैटिंग करता है तो उससे थोड़ा आपको कम जो हुआ एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा यानी फर्स्ट इनिंग स्कोर में। तो गाइस उसके बाद डेट की हम चर्चा करेंगे, तो डेट जो यह रहेगा 5 नवंबर 2022 को, और टाइम की हम चर्चा करेंगे तो यह जो टाइमिंग रहेगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार 1:30 में जो हुआ इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच आपको मुकाबला जो हुआ लाइव देखने को मिलेगा। बाकी गाइस हम यहां पर से टीम कंपैरिजन की चर्चा करते हैं, जब आपस में इंग्लैंड और श्रीलंका एक दूसरे के खिलाफ खेलता है तो कौन किसके खिलाफ कितना प्रतिशत मैच को विनिंग करता है। तो गाइस यहां पर से इंग्लैंड जो विनिंग करता है श्रीलंका के खिलाफ हुआ 60% मैच को विनिंग करता है, वही श्रीलंका जो विनिंग करता है इंग्लैंड के खिलाफ हुआ 40% मैच को विनिंग करता है। बाकी ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ टॉस होने के बाद टीम को प्रोवाइड किया जाता है, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप भी चाहते हो ढेर सारा हमारे टेलीग्राम चैनल से पैसा कमाना तो अभी आपको ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और प्लेयर वाइज एनालिसिस करता हूं कि कौन कौन सा प्लेयर्स जो हुआ इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक काफी ज्यादा जबरदस्त एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइस फैन टू प्ले। देख सकते हो फैन टू प्ले अभी तक के आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी से आप लोग डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर देते हो तो आपको 1 नंबर रैंक आता है। तो यहाँ पर से 1 नंबर रैंक पर जो हुआ आपको एक 4 चक्का का गाड़ी दिया जाता है, वही 2 नंबर रैंक लाते हो गाइस फैन टू प्ले में। अभी T20 वर्ल्ड कप में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो हुआ धमाका ऑफर चल रहा है, तो यह ऑफर को लूटना चाहते हो तो लूट सकते हो फैन टू प्ले पर, आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर पर 4 चक्का का गाड़ी है, 2 नंबर रैंक पर आपको एक TVS का बाइक दिया जाता है, वही 3 नंबर रैंक पर गाइस आपको जो एक सैमसंग का मोबाइल दिया जाता है। इसी प्रकार आपको 4 से लेकर 350 रैंक के बीच में लाते हो तो आप यहाँ पर से ढेर सारा भाई इनाम विन कर सकते हो और पैसा भी जीत सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ यह एप्लीकेशन का खासियत ये है, पूरा T20 वर्ल्ड कप में भाई धमाल मचा करके रखा है ये एप्लीकेशन, और मैं भी जो खेलता हूं यही फैन टू प्ले एप्लीकेशन पर खेलता हूं। और देख सकते हो यहां पर जो इनका खुद ऐड करते हैं दिग्गज बल्लेबाज कुंटल डिकॉक ऐड करते हैं, और गाइस इसमें आप छोटा छोटा एंट्री फी लगा करके ढेर सारा पैसा विन कर सकते हो। कंपटीशन आपको जो हुआ काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है और साथ में इसमें आपको 2 लाख 3 लाख कभी 5 लाख तक के ग्रांटेड जो हुआ विनिंग भी कराया जाता है फैन टू प्ले एप्लीकेशन पर, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लेते हो अभी से खेलना स्टार्ट कर देते हो तो भाई ढेर सारा पैसा विन करोगे फैन टू प्ले एप्लीकेशन। और तो गाइस मैं भी जो खेलता हूं वह फैन टू प्ले एप्लीकेशन पर खेलता हूं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाकर के डाउनलोड कर लो और खेलना अभी से स्टार्ट कर दो। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर से जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 टीम रहने की संभावना किस प्रकार से रहेगा। तो विकेट कीपर में जॉस बटलर, उसके बाद ए हेल्स, और देख सकते हो डेविड मलान, मोइन अली, एच ब्रुक, बेन स्टोक्स, सैम करन, लियम लिविस्टन, उसके बाद गाइस आपको यहां पर से एम वुड, क्रिस वॉक्स और गाइस आदिल रशीद जो संभावित प्लेइंग 11 टीम रहने की काफी ज्यादा संभावना है। बाकी जो चेंजेस आते रहता है मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ प्रोवाइड कराते रहता हूं। उसके बाद गाइस देख सकते हो श्रीलंका की जो प्लेइंग 11 टीम की चर्चा करते तो आप देख सकते हो कुशल मेंडिस, पाथुम निशंका, बानुका राजापक्षा, उसके बाद आपको दासुन सनाका, उसके बाद सी एसलंका देख सकते हो, वानिंदो हसरंगा और गाइस डिसिल्वा, सी करुणारत्ने, एम तीक्ष्णा और आपको पी मधुसन, उसके बाद आपको एल कुमारा नजर आता होगा जो संभावित प्लेइंग 11 टीम रहने की काफी ज्यादा संभावना है। बाकी जो चेंजेस आते रहता है
मैं टॉस होने के बाद टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम चैनल पर देते रहता हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जो हुआ ज्वाइन कर लेना। तो गाइज हम चर्चा करते हैं विकेट कीपर में। सबसे पहले देख सकते हो मैं जो आज विकेट कीपर सेलेक्ट करने वाला हूँ, दो विकेट कीपर सेलेक्ट करने वाला हूँ। गाइज सबसे पहले जॉस बटलर की करंट 3 मैच की चर्चा करते तो देख सकते हो 73-0 और आपको 18 और इनका बैटिंग स्टाइल जो हुआ राइट हैंड बैटिंग करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ होने वाला है और इसे आप स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। बाकी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, आप इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहां पर से तो जॉस बटलर को तो मैं अपना टीम में रखूंगा, यह प्लेयर्स काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर्स है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कुशल मेंडिस की। तो गाइस मेंडिस की करंट 3 मैच की चर्चा करते तो मैं आपको बता देता हूं, देख सकते हो 25-4 फिर आपको 5 आपको राइट हैंड है यहां पर से इनका जो बैटिंग स्टाइल है और यह विकेट कीपर की तौर पर आपको नजर आएंगे। और साथ में ओपनिंग करते हुए आपको कुशल मेंडिस और साथ में पाथुम निशंका जो हुआ श्रीलंका की तरफ से नजर आएंगे। तो गाइस यह प्लेयर्स को आप रखना चाहते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। गाइस मैं आपको बता देता हूं, यदि सबसे पहले यहां पर से कुशल मेंडिस बैटिंग करता है, सॉरी दोस्तों बैटिंग करता है यानी सबसे पहले जो बैटिंग करता है श्रीलंका, तो यहां पर से कुशल मेंडिस के बल्ले से जो हुआ आपको काफी अच्छा खासा रन देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे जो लग रहा है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रेडिक्शन है, उसके अनुसार से श्रीलंका ही सबसे पहले बैटिंग करेगा। यदि सबसे पहले बैटिंग करता है तो मैं कुशल मेंडिस को रखूंगा, यदि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तो मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। तो बाकी चेंजेस जो आते रहता है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर देते रहता हूं, इसलिए बोलता हूं आप सभी लोग को टेलीग्राम चैनल को जो हुआ ज्वाइन कर लेना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे टीम में सबसे पहले जॉस बटलर रहेगा, जॉस बटलर को मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लिया। कुशल मेंडिस आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा सेफ रहने वाला है। तो चलो मैं यहां पर से कुशल मेंडिस को अपने टीम में रख लिया, कुशल मेंडिस भी हो गया। तो गाइस देख सकते हो मैंने जो विकेट कीपर में जॉस बटलर इधर से आपको श्रीलंका की तरफ से दिखाई देता हुआ कुशल मेंडिस को मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लिया हूं। क्यों, किस रीजन से मैं दो विकेट कीपर लिया, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं कह सकते हो कुशल मेंडिस के पास भी यहां पर से बैटिंग करने की काफी ज्यादा क्षमता है, बाकी तो भाई यहां पर से तो जॉस बटलर करते ही है। तो इसलिए मैं यहां पर से जॉस बटलर और साथ में कुशल मेंडिस को अपने टीम में जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी बैटिंग सेक्शन से चर्चा करते तो बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो आपको ए हेल्स नजर आता हुआ। तो गाइस इनके बारे में करंट 3 मैच की चर्चा करते तो 52 फिर आपको 7 फिर आपको 19 और गाइस राइट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल है और आपको जो साथ में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे जॉस बटलर और साथ में आपको यहां पर से ए हेल्स जो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ होने वाला, आप भी इसे स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। बाकी हम डेविड मलान की चर्चा करते हैं तो गाइस डेविड मलान देख सकते हो आपको 3-35 फिर आपको 18 दिखाई देता है, तो सिर्फ मैं जो रखूंगा यहां पर से इसे ग्रैंड लीग में रख सकते हो, स्मॉल लीग में आप चाहते हो तो ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोइन अली की चर्चा करते हैं तो गाइस मोइन अली का भी अभी थोड़ा जो फॉर्म चल रहा है काफी ज्यादा खराब फॉर्म चल रहा है, देख सकते हो मोइन अली आपको दिखाई देता होगा यहां पर से 5-24 फिर आपको 8 और इनका जो बैटिंग स्टाइल है लेफ्ट हैंड ये बैटिंग करते हैं एच ब्रुक, तो गाइस एच ब्रुक को आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों के लिए काफी ज्यादा सेफ है। लेकिन आप मोइन अली के साथ जाना चाहते हो तो स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में नहीं जा सकते हो, मैं आपको बता देता हूं किस में जाना है। तो गाइस आप मोइन अली को चाहते हो ट्राई करना तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं मेरे टीम में सबसे पहले मैं यहां पर से ए हेल्स के साथ जाऊंगा, तो मेरे टीम में जो ए हेल्स हो गया उसके बाद गाइस इधर से मैं एक मोइन अली नहीं तो आप एच ब्रुक के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डेविड मलान के साथ जाना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में जा सकते हो स्मॉल लीग में, मेरा जो ओपिनियन है मेरा जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप यहां पर से डेविड मिलर को जो हुआ ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं जो फिलहाल सेलेक्ट करने वाला हूं यहां पर से मैं जो सेलेक्ट करूंगा दोस्तों यहां पर से ए एल्स को सेलेक्ट कर लिया हूं, फिर मेरे टीम में जो रहेगा वह एच ब्रुक को मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लिया हूं। और हो सकता है तो एच ब्रुक को ड्रॉप करके टॉस होने के बाद मैं यहां पर से जो कर सकता हूं वह डेविड मलान के साथ जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। डेविड मलान भी आपके लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा, ग्रैंड लीग में चाहते हो तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। मैं टॉस होने के बाद काफी ज्यादा संभावना बनता मैं यहां पर से डेविड मलान को ले सकता हूं, और आप चाहते हो लेना तो इसके जगह पर डेविड मलान को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेविड मलान भी काफी ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि गाइस इनके पास जो बैटिंग लाइन है वह काफी ज्यादा क्षमता है बैटिंग करने का, पिच पर आते हैं तो काफी देर तक का ये बैटिंग कर सकते हैं। आपके टीम में रहता तो यहां पर से पॉइंट देकर के जाएगा और मेरे टीम में भी रहेगा तो यहां पर से पॉइंट देकर के जाएगा, इसलिए डेविड मलान को मैं अपना टीम में जो हुआ फिलहाल रख लिया हूं। और बाकी टॉस होने के बाद काफी ज्यादा संभावना बनेगा मैं इनको रखने का काफी ज्यादा संभावना बनेगा और मैं इनको अपने टीम में जो हुआ रखूंगा भी। तो गाइस यहां पर से हम चर्चा करते हैं पाथुम निशंका, देख सकते हो आपको निशंका की भाई करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये दो
ओपनर्स के बीच किसी एक ओपनर्स से आपको जो हुआ 50 प्लस रन, नहीं तो आप कह सकते हो 40 प्लस रन देखने को मिलेगा। भाई यहां पर से पार्थुम निशंका मारे या कुशल मेंडिस मारे, कोई एक बल्लेबाज यहां पर से 40 प्लस रन इनके बल्ले से जो हुआ देखने को मिलेगा। तो पार्थुम निशंका के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छा खासा बैटिंग करके आपके टीम में रहता है, तो यहां पर से आप इसे स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। गाइस इनके करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं, तो एक मैच में देख सकते हो आपको 40-0, फिर यहां पर से 10 राइट हैंड इनका जो हुआ बैटिंग स्टाइल, तो ये प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ होने वाला है। तो आप इसे चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन में भी बनाना तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वह ग्रैंड लीग के लिए आप बना सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में आपका यह सही नहीं होगा। तो मेरे टीम में सबसे पहले पी निशंका यानी पार्थुम निशंका को मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लिया हूं। और गाइस ये मत भूलना भाई, आप तो यहां पर से बैटिंग सेक्शन जो हुआ 5 ले लियो। मैं एक्स्ट्रा में बताया कि डेविड मिलर को मैं यहां पर से जो डेविड मिलर को एक्स्ट्रा में लिया हूं, वैसे टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद मैं अपना जो हुआ चेंजेस कर सकता हूं, डेविड मलान को मैं रखने की काफी ज्यादा संभावना बनेगा, एच ब्रुक को मैं ड्रॉप कर सकता हूं, तो कोई ठीक नहीं, मैं डेविड मलान या एच ब्रुक को भी ले सकता हूं, टॉस होने के बाद मैं वहां पर से डिसाइड कर लूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। उसके बाद गाइस देख सकते हो मैं यहां पर से पी निशंका को सेलेक्ट कर लिया हूं। इसके बाद आप देख सकते हो डी सना का, दासुन सना का आपको नजर आता होगा। तो गाइस इनके करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं, 0-35, फिर आपको 3 राइट हैंड बैटिंग करते हैं, उसके बाद राजा पक्षा। तो गाइस राजा पक्षा को जो बैटिंग का मौका दिया जाता है काफी ज्यादा नीचे बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, यानी हिटिंग की तौर पर बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। तो 18-34 फिर आपको जो हुआ साथ दिखाई देता हुआ, इनका बैटिंग स्टाइल जो हुआ लेफ्ट हैंड है, यहां पर से ये बैटिंग करते हैं, तो इस प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बाकी आप इसे स्मॉल लीग में जो हुआ ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद श्रीलंका दिखाई देता हुआ, सी श्रीलंका। तो गाइस श्रीलंका की करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं, 19-4-38 लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये दो प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर्स को ले सकते हो, लेकिन डी सनाका आपके लिए काफी ज्यादा सेफ होने वाला, आप इसे स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। तो चलो मेरे टीम में यहां पर से दासुन सनाका, मैं अपना टीम में जो हुआ डी सनाका को जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूं। बाकी गाइस हम चर्चा करते हैं ऑलराउंडर्स सेक्शन से, ऑलराउंडर्स सेक्शन से मैं किस किस प्लेयर्स को रखने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बेन स्टोक नजर आता हुआ, तो गाइस यहां पर से मैं आपको एक साफ साफ क्लियर कर देता हूं, बेन स्टोक जो हुआ आपको बॉलिंग करते हुए काफी कम नजर आएंगे, यदि बॉलिंग भी करते तो 2 ओवर, नहीं तो कभी कभी 1 ओवर बॉलिंग करते, नहीं तो 3 ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं करते। तो इनके करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं, तो देख सकते हो आपको इनके बैटिंग से कैसा परफॉर्मेंस रहा, 8 रन, फिर 6 रन, फिर 2 रन, और इनका जो बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैटिंग करते वही बॉलिंग की यहां पर से चर्चा करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट जो इनका बॉलिंग स्टाइल है। उसके बाद गाइस देख सकते हो 10 रन देकर के 1 विकेट, फिर 8 रन देकर के 1 विकेट, तो इस प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं अपना टीम में ड्रॉप करके चल रहा हूं। किस क्यों और किस रीजन से, क्योंकि गाइस इनके पास जो अभी करंट में फॉर्म उतना कोई खास नहीं, जिसके कारण मैं यहां पर से इनको जो हुआ ड्रॉप करके चल रहा हूं। बाकी आप इसे ट्राई करना चाहते हो, 2 या 3 टीम क्रिएट करते हो तो आप बेन स्टोक को ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देख सकते हो सेम करन नजर आता हो, तो सेम करन से गाइस यहां पर से बॉलिंग से काफी अच्छा खासा उम्मीद है, लेकिन बैटिंग से कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं किया, देख सकते हो यहां पर से लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट इनका बॉलिंग स्टाइल है। आप इसे चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना तो बना सकते हो, सेम करन को स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा। 26 रन देकर के 2 विकेट, 31 रन देकर के 2 विकेट, फिर 10 रन देकर के 5 विकेट लिए, तो ये प्लेयर्स काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद यहां पर से हम चर्चा करते हैं लियाम लिविस्टन की, तो गाइस लिविस्टन की करंट 3 मैच की जो हुआ बल्ले से इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा मैं देखता हूं, तो गाइस देख सकते हो 20 रन, 1 रन, फिर आपको जो दिखाई देता होगा 29 रन, वही बॉलिंग से देख सकते हो 26 रन देकर के 0 विकेट, फिर आपको जो 17 रन देकर के 3 विकेट। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो पिच होने वाला वह पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, फास्टर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, सिडनी के ग्राउंड पर और स्पिनर को मदद मिलता है तो थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। तो मेरे टीम में सबसे पहले मैं यहां पर से जो सेलेक्ट करूंगा एस करन को मैं अपना टीम में रख लिया हूं, सेम करन मेरे टीम में रहेगा, मैं फिलहाल जो लियाम लिविस्टन को चेंज करके चल रहा हूं, और हो सकता है तो टॉस होने के बाद मैं तीन ऑलराउंडर्स कर सकता हूं या बैटिंग सेक्शन जो हुआ एक कम कर सकता हूं। बाकी हम इधर से चर्चा करते तो वानिंदो हसरंगा आपको नजर आता होगा, तो गाइस हसरंगा की जो करंट 2 मैच की चर्चा करते हैं, इनका जो बॉलिंग से कैसा परफॉर्मेंस रहा, 13 रन देकर के 3 विकेट, फिर यहां पर से 22 रन देकर के 1 विकेट लिए हसरंगा। तो गाइस हसरंगा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पिक होने वाला, आप इसे चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए काफी ज्यादा सेफ है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर से डिसिल्वा दिखाई देता होगा, तो गाइस डिसिल्वा के करंट जो 3 मैच में वह बल्ले से कैसा परफॉर्मेंस रहा देख लेते हैं, 66 रन, 0 रन, फिर 26 रन राइट हैंड बैटिंग करते हैं, फिर देख सकते हो यहां पर से 9 रन देकर के 1 विकेट, 14 रन देकर के 1 विकेट। तो गाइस डिसिल्वा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पिक होने वाला, आप डिसिल्वा को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी करुणा रत्ने की चर्चा करते हैं,
तो गाइस करुणा रत्ने तो यहां पर से कोई खास नहीं किया, देख सकते हो 34 रन देकर के 0 विकेट, फिर यहां पर से आपको 20 रन देकर के 1 विकेट लिए। तो करुणा रत्ने को आप चाहते हो ग्रैंडलिंग में ट्राई करना तो ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में कोई खास नहीं है। तो मैं अपना टीम में सबसे पहले यहां पर से आपको बता देता हूं, आप हसरंगा या डिसिल्वा किसी एक में से आप रख सकते हो, और मैंने आपको बोल दिया टॉस होने के बाद हो सकता है तो मैं एक बैटिंग सेक्शन या एक विकेट कीपर कम करके मैं यहां पर से ऑलराउंडर से जो वो एक बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस ऑलराउंडर से बताता हूं, तो मेरा ऑलराउंडर में यहां पर से वानिंदो हसरंगा तो मेरे टीम में सबसे पहले रहेगा, तो इसके जगह पर डिसिल्वा को ले सकता हूं, डिसिल्वा मेरे टीम में रहेगा, नहीं तो मैं यहां पर से आपको बता देता हूं इधर से मैं लियाम लिविस्टन को ले सकता हूं टॉस होने के बाद, मैं आपको बता देता हूं। तो मेरी टीम में लियाम लिविस्टन भी रहने वाला, डिसिल्वा या लियाम लिविस्टन में से कोई एक प्लेयर से रहने वाला, तो मैं आपको सबसे पहले सजेशन दे दिया हूं एक विकेट कीपर जो हुआ कम कर सकता हूं। बाकी मैं बॉलिंग सेक्शन से चर्चा करता हूं, तो गाइस बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हो आपको मार्क वुड इधर से नजर आता होगा, फिर आपको क्रिस बुक, उसके बाद आप देख सकते हो आपको आदिल रशीद जो संभावित जो प्लेइंग 11 टीम रहने की चांस है, और यही प्लेयर्स जो रहेगा यहां पर से बॉलिंग सेक्शन में इंग्लैंड की तरफ से। तो यहां पर से एम वुड की चर्चा करते तो गाइस देख सकते हो 25 रन देकर के 1 विकेट, 34 रन देकर के 3 विकेट, फिर यहां पर से जो हुआ 23 रन देकर के 2 विकेट, और इनका जो बॉलिंग स्टाइल की हम चर्चा करते तो बॉलिंग स्टाइल जो इनका रहने वाला राइट आर्म मीडियम फास्ट जो यहां पर से ये बॉलिंग करते हैं एम वुड। तो गाइस यह प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ होने वाला, आप इसे स्मॉल लीग और साथ ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहां पर से कैप्टन और वाइस कैप्टन में भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे टीम में सबसे पहले यहां पर से मार्क वुड रहेगा, तो मैं यहां पर से मार्क वुड को जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद गाइस देख सकते हो क्रिस वॉक्स की चर्चा करते हो, वॉक्स देख सकते हो आपको दिखाई देता होगा 33 रन देकर के 2 विकेट, 41 रन देकर के 0 विकेट, फिर आपको जो हुआ 24 रन देकर के 1 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट जो इनका बॉलिंग स्टाइल है। और गाइस उसके बाद आप आदिल रशीद को देख सकते हो, तो आदिल रशीद को तो मैं अपना टीम में रखूंगा नहीं, क्योंकि गाइस देख सकते हो इनका फॉर्म जो हुआ काफी ज्यादा खराब चल रहा है, देख सकते हो क्योंकि यह जो पिच होने वाला हुआ पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है। तो आदिल रशीद यहां पर से जो हुआ स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो आपको 33 रन देकर के 0 विकेट, यहां पर से 24 रन देकर के फिर आपको 0 विकेट, 32 रन देकर के 0 विकेट। तो इस प्लेयर्स को मैं ड्रॉप करके चलूंगा स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ड्रॉप करके चलूंगा। इधर से हम देखते हैं तो इधर से आपको नजर आता हुआ गाइस तीक्ष्णा, तो देख सकते हो तीक्ष्णा की करंट जो हुआ 3 मैच की चर्चा करते हैं, तो गाइस यहां पर से 33 रन देकर के 0 विकेट, 35 रन देकर के 1 विकेट, फिर आपको 23 रन देकर के 1 विकेट, तो मैं इनको भी ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी इसे आप चाहते हो ग्रैंडलिंग में तीक्ष्णा को ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफी ज्यादा सेफ रहेगा। पी मधुसन की चर्चा करते तो गाइस इनका बॉलिंग स्टाइल जो हुआ राइट आर्म मीडियम फास्ट ये बॉलिंग करते हैं, 24 रन देकर के 0 विकेट, 14 रन देकर के 1 विकेट, 37 रन देकर के 2 विकेट लिए हैं। तो मैं यहां पर से आपको बताना चाहता हूं एल कुमारा, देख सकते हो एल कुमारा, इस प्लेयर्स को आप ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इसे ड्रॉप करके ही चलोगे। बाकी आप स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल लीग में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अपना टीम में जो हुआ फिलहाल ड्रॉप करके चलूंगा। उसके बाद आपको एल कुमारा नजर आता होगा, तो गाइस एल कुमारा की करंट 3 मैच की चर्चा करते 30 रन देकर के 2 विकेट, 37 रन देकर के 1 विकेट, 22 रन देकर के 0 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट है। तो गाइस यहां पर से सबसे पहले मेरे टीम में जो रहेगा एल कुमारा के साथ जाऊंगा, तो मेरे टीम में एल कुमारा हो गया, तो मैं यहां पर से एल कुमारा का जो हुआ सेलेक्ट कर लिया। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं मार्क वुड, उसके बाद मेरे टीम में जो रहने वाला वह क्रिस वॉक्स को मैं पर से सेलेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो वो प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट हो चुका, इसमें हम चर्चा करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो गाइस यहां पर से मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा जो कैप्टन रहने वाला, मैं यहां पर से हो सकता तो जॉस बटलर को सी बना सकता हूं, और टॉस होने के बाद हो सकता तो चेंजेस करता है तो मैं यहां पर से इनके साथ भी सी जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप चाहते हो यहां पर से कुशल मेंडिस को बनाना या पाथुम निशंका को बनाना, यदि श्रीलंका सबसे पहले बैटिंग करता तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेरा कैप्टन रहेगा वह जॉस बटलर के साथ सी जा रहा हूं। और बीसी की चर्चा करते हैं तो गाइस वीसी जो मेरा रहेगा वो सैम करन मेरा वीसी है। तो इस प्रकार से जो वो प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट हो चुका है मेरा, देख सकते हो मैंने किस प्रकार से सेलेक्ट किया। विकेट कीपर में जॉस बटलर, कुशल मेंडिस, ए हेल्स, उसके बाद गाइस आपको एच ब्रुक नजर आता होगा। टॉस होने के बाद मैंने आपको जैसा बोला चेंजेस कर सकता हूं, एच ब्रुक की जगह पर मैं यहां पर से जो हुआ डेविड मलान को ले सकता हूं, पाथुम निशंका, और गाइस यहां पर से देख सकते हो दासुन सनाका को मैंने जो हुआ सेलेक्ट किया हूं। ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो मैंने यहां पर से सैम करन को लिया हूं, गाइस सैम करन आपको दिखाई देता हुआ वानिंदो हसरंगा, और जैसा मैंने बोला यहां पर से मैं डिसिल्वा को ले सकता हूं, नहीं तो यहां पर से लियाम लिविस्टन को ले सकता हूं, वह टॉस होने के बाद चेंजेस कर सकता हूं। बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हो मार्क वुड नजर आता होगा, क्रिस वॉक्स, और गाइस यहां पर से जो सेलेक्ट किया हूं एल कुमारा को सेलेक्ट किया हूं। कैप्टन की चर्चा कर लेते हैं, तो मेरा जो कैप्टन है वह जॉस बटलर को मैंने यहां पर से कैप्टन बनाया, और वही वीसी देख सकते हो मेरा जो वीसी हुआ सैम करन को मैंने वीसी बनाया हूं। तो बाकी गाइस चेंजेस आता है टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको टाइम टू टाइम दूंगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।